तो नमस्ते, मेरा नाम है रोहित और फिर एक बार मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज भाई एक नया मुद्दा लेके आया हो। हर समय ट्रैवल व्लॉग लेके आता हो, जैसे काम की चीज़ें लेके आता हो, क्रिकेट हाँ हो, बाकी बहुत सारी घूमता हूँ मैं, लेकिन एक अलग चीज़ लेके आया हो भाई। आपका नाम सुनील है। सुनील। तो सुनील का मेरे को हाँ दे रहे। 2 दिन पहले मेरे को एक कॉल आया रैंडम नंबर से कि भाई मैं ऐसा ऐसा मुंबई में आया हूँ जॉब के लिए और मेरे को जॉब के नाम के फंसाया गया है, जो कि 7,000 तक की अमाउंट है, उस अमाउंट तक इसको फंसाया गया है जॉब का लालच देके, बराबर। तो हाँ भाई बाकी की स्टोरी तो ये बताएंगे। एक्चुअली मेरे को 2 दिन पहले टाइम नहीं था, तो मैंने इन्होंने सुनील को बोला कि भाई तो 2 दिन के बाद आ जा, डॉक्यूमेंट जो भी है उसके लेके, उसके डॉक्यूमेंट भी जब्त कर लिए थे। तो बाकी की स्टोरी भाई सुनील भाई बताएंगे। तो मैं बोला पार्क में जाके अच्छे से वीडियो बना लेंगे, ठीक है, हाँ ठीक है। क्योंकि भाई अगर आप अकेले नहीं हो, बहुत सारे लोग आते हैं, तो भाई आपका प्रॉब्लम तो सॉल्व करूंगा ही, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेरे हिसाब से जितना हो सके उतना मैं सॉल्व करूंगा। अगर सॉल्व नहीं होता तो अपन कंप्लेट भी कर देंगे, वो हाँ भी ठीक बात है। है। हाँ देखिए ठीक मैं मेरी तरफ से ट्राई करूंगा, लेकिन आप अकेले नहीं हो जो आपके साथ स्कैम होता है। ऐसे बहुत सारे लोग होते, लड़के होते जो नए होते हैं, यंग होते हैं, तो ये जाल में फंस जाते हैं। हाँ तो इसके लिए मेरा पर्पस यही था वीडियो बनाना कि भाई अगर आपके साथ हुआ है तो और 4 लोगों के साथ ना हो, वीडियो बनाने का पर्पस ही है। आगे की स्टोरी बताएंगे। सुनील भाई बताइए। पहला मुझे फ़ोन लगाया था। मैं यूट्यूब में ऐसा वीडियो देख रहा था। पहले तो आप कहाँ से हो, परिचय दीजिए अपने बारे में, क्यों मैं आए हो। मेरा कर्नाटका हुबली में रहता हूँ। और अब रात को फोन देख रहा था ऐसा, वो जॉब से ले आया है, मैसेज आया भाई। बाद में मैं उसको फ़ोन लगाया मैडम को, वो मैडम बोला मुझे लेकिन आप मुंबई क्यों आना चाहते हैं, जॉब के लिए बस। हाँ जॉब के लिए, बस ऐसा घूमने को आना चाहता था। मैडम का नाम क्या था। और मैडम का नाम बोला नहीं मुझे, ऐसा अच्छा फ़ोन किया था, नंबर दिया वो, उसमें फ़ोन करके वो रात को फ़ोन किया मुझे। अब 8 बजे 7 बजे ऐसे तक फ़ोन किया था। अब बाद में बोला काम मिलेगा ना, काम है क्या भाई, मैं पूछा। हाँ मिलेगा, आ जाना ऐसा बोला वो। अब बाद में मैं बराबर पूछा, मैम मिलेगा नहीं, ऐसा झूठ मत बोलो ऐसा। बाद में उधर आगे थोड़ा दिक्कत होता है, हमको मालूम नहीं होता है, ऐसे ले बोला मैं। अब बाद में बोला वो आ जाना कल सुबह ऐसा बोला। तो आप कर्नाटक कर्नाटक से कब निकले। हाँ संडे संडे दोपहर निकला मैं 2 बजे तक, मंडे इधर आया, अच्छा मंडे सुबह इधर आया को 9 घंटे का फ़ोन लगा मैडम को। मैडम बोला मैं तो यहाँ पे ये कर्नाटक से यहाँ पर सिर्फ काम के लिए आए थे। मैडम का नाम इनको याद नहीं है। अभी यहाँ पे देखो, एक मुझे पर्ची दिख रही है यहाँ पे, सुनील कुमार, क्या है, कुणाल, हाँ सुनील कुमार सुनील कुमार लमानी। लमानी। यहाँ पे टोटल अमाउंट 5,000 लिखा है, अमाउंट रिसीव्ड 3,000, तो 7,000 बोले ना। हाँ 7,000 और वो कोरोना का रिसिप्ट दिएगा ऐसा बोले। अच्छा, हाँ 2,700 तो रुपये यहाँ कट पे गए। सिर्फ रिसिप्ट दिया ना, कि कंपनी का नाम ना किसी का क्या है एड्रेस, कुछ भी नहीं दिया गया। तो मैं, आप आगे की स्टोरी बताइए, तो बाद में लूंगा मैं कवरेज बंदे। बाद में इतने इतने हो। इतना कैसा है, फिर आगे कहाँ, इधर आए हाँ न्यूज़। ऐसा वो फोन लगा था मैडम, वो मैडम मुझे एक बंदा का नंबर दिया, नाम क्या था बंदे का। बंदे का नाम मोहम्मद रजाक, इसमें उसमें नाम है, मुझे आड़ा नाम मुझे बोला पांडे ऐसा। अच्छा पांडे। हाँ वो पांडे बोला मैं कैलाश पार्क में, सामने हमारा बिल्डिंग ये पैसा भरने कहाँ गए थे आप, है, उधर गया था कैलाश कितना पार्क। टोटल अमाउंट कितना भरा आपको, 7,700 भरा किसको दिया, उसके पे पांडे किया। को, हाँ पांडे जो को। कि मोहम्मद हाँ मोहम्मद हाँ उसके नाम है मोहम्मद है। मोहम्मद। अच्छा मैं देख लूंगा। उसको कितना, 7,000 अमाउंट हाँ आपने पे किया, कौन से सात लोकेशन पे जाके पे किया। हाँ कैलाश पार्क, वो कैलाश मे से पार्क कहाँ उधर पे आता है, घाटकोपर घाटकोपर, विक्रोली। रहने भैया, वो आगे उक्रोली, उक्रोली ना। अच्छा हाँ हाँ उधर आ, उधर के थोड़ा ऑटो मिलेगा, ऑटो के से उधर 15 5 2 मिनट मिलेगा। उधर आकर उसको फ़ोन लगाया, वो आया अंदर। अब बोला मुझे ऐसा ऐसा, मेरा आधार कार्ड लिया, आधार कार्ड देखा, वहाँ पे देख के बोलो। हाँ आधार कार्ड लिया, बाद में मेरा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स पूछा क्या पढ़ा है क्या पढ़ा नहीं है ऐसे। बाद में बोला मैं डिग्री पढ़ रहा हूँ, डिग्री सेकेंड ईयर हूँ बीए। बाद में पैसा भरने के बोला, मैं हमारा मेरा दोस्त बोला ये मत भरो ऐसा बोला वो। बाद में मैं थोड़ा 5 मिनट टाइम दो, बाद में बोला बोलता हूँ ऐसा बोला मैं उसको। वो बोला है हाँ ठीक है 5 मिनट टाइम ले ऐसा बोला। बाद में बोला है आप भी तो 17,000 पेमेंट देगा महीने को सिक्योरिटी सत्रह का। हजार महीने का हाँ सिक्योरिटी का जॉब। हाँ हाँ महीने में 4 दिन छुट्टी रहेगा ऐसा बोला है। बाद में जॉब की उसको लोकेशन क्या दी थी, कैलाश पार्क,
जॉब की लोकेशन जॉब देवी ना, हाँ प्रभा देवी, हाँ प्रभा देवी दी थी। अच्छा हाँ प्रभा देवी बोले, बाद में आई उधर इधर आया मैं, वो सर फोन करके मुझे भेजा इधर, हाँ वो सर को बोला मैं ऐसा ऐसा आया वो ऐसा ऐसा, वो सर को बोला ऐसा नहीं भाई, आठ दिन को 8 घंटे काम किया तो 12,000 देगा, 8 घंटे का 12,000। हाँ बाद में 12 घंटे फोन पे कितना पेमेंट बताया था वो, फोन में कुछ नहीं बताया था, फोन पे कितना पेमेंट बताया था कुछ नहीं बताया था, फ्री में जॉब मिलेगा ऐसा बोला था। नहीं पेमेंट आपको जब आप कर्नाटका में थे आपको कॉल किया तो पेमेंट कितना बताया था? ओके क्या नहीं बताया था भैया, तो फिर आप यहाँ पे कैसे आए? और फ्री में मिलेगा ऐसा सोच कुछ छुपाया मैं, वो नहीं आपको जब जॉब करोगे तो पेमेंट कितना? हाँ ऐसा ही बोला था, 17,000 बोला था, 17,000 बोला था। यहाँ पे कितना बोला? इतना इधर आगो टाइमिंग बोला, हाँ 12,000 12 घंटे को 15,000 ऐसा खाना गाना उसमें टूटेगा ऐसा बोल रहा था, मैं ऐसा पूछा पहला उसको, वो कुछ कुछ नहीं बोला हमको, बाद में इधर आपको मालूम होगा ऐसा गलती होगा ऐसा लिए, तो भैया के सामने आपको फोन में हेल्प पूछा दो तो दिन के। मेरे का नंबर कैसे कांटेक्ट निकाला वो भी बताइए। हाँ पहला यूट्यूब में सर्च किया मैं, मेरा दिक्कत जॉब हेल्पिंग नंबर ऐसा कॉन्टेक्ट को सर्च किया, पहला इसका आया, बाद में इसको फोन लगाया मैं, बाद में मालूम हुआ उसको 2 दिन के पीछे फोन लगा को, बाद में भैया बोला ऐसा ऐसा मैं हेल्प करूंगा थोड़ा, क्या नहीं होता तो पुलिस कंप्लेंट के बाद में देगा ऐसा पूछा ऐसा। तो शॉर्टली बताना चाहूँ तो इनके साथ एक स्कैम हुआ है, आप मैं आपको एक पर्ची दिखाना चाहता हूँ, मैं देखो ऐसा कुछ पर्ची है, यू कैन नोटिस कि यहाँ पे ना कंपनी का एड्रेस दिया है ना किसी का नंबर दिया है, जस्ट एक फेक जो बिल फेक बिल कैसा होता है वहाँ पे वैसा बिल इनको प्रोवाइड किया देता है। हाँ। तो शॉर्टली आपके साथ स्कैम ही हुआ है। हाँ, टोटल अमाउंट कितना गया आपका? 7,700 गया। तो भाई अब हम वो जो सामने वाला बंदा है जो भी पांड्या हो या मोहम्मद है उनको कॉल लगाएंगे आपके सामने, देखते क्या होगा, लगाए कॉल क्योंकि सब ऑनलाइन सब लाइव ही करेंगे। मैं बात करता हूँ, स्पीकर पर डालिए ताकि ऑडियंस भी सुन सके। तो मराठी बोलता है इंग्लिश बोलता है? मराठी बोलता है। देर में बात करता हूँ उससे, स्पीकर पर डालिए। ब्लॉक में डाल दिया क्या? नहीं किसी से बात कर। तो भाई ये क्या स्कैम से बचे यार, इतना पढ़ा लिखा बंदा है, ऐसा भी नहीं कि पढ़ा लिखा बंदा को स्कैम हुआ बाद में, भाई पुलिस में है मतलब मेरे को हंसी आ रही है आपको देख के, सच में बताओ, मैं सच बताओ इतना पढ़ा लिखे हो क्या मतलब है फिर आपका? हाँ ऐसा ही गलती हो यार, गलती हुआ देखो अभी सर, पैसा तो गया ही गया, टाइम भी वेस्ट किया। हाँ ऐसा ही है, लेकिन क्या पर्पस इतना ही था अभी जॉब करना है मुंबई में आके बस? ऐसा नहीं था भैया, मुझे पहला कोर्स करने का था। काय का कोर्स? वो इंग्लिश है ना, यूरोप कंट्री को जाने को। क्या? यूरोप कंट्री को जाने को, इंग्लिश का कोर्स। हाँ अच्छा, ऐसा करने को आया था मुझे, ऐसा 2 महीने को 1 महीने को घूम को ऐसा आया था, काम गेम मिलेगा तो अच्छा होता है, उसमें खाना गेना सब उधर ही जाएगा ऐसा सोचा था, इधर आपको मालूम हो गया काम होगा ऐसा लिए भैया को फोन लगा। कोई दिक्कत नहीं है, 7,000 बहुत बड़ी अमाउंट होती है गरीब के लिए भाई। कहाँ से लिए था वो 7,000? जितना हो सके उतना डाउट क्लियर करे कि भाई ये अभी देखो इतना पढ़ा लिखा पढ़ने नहीं आता है, यहाँ पे किधर एड्रेस दिया है क्या? नहीं दिखा, थोड़ा पढ़ा नहीं था, टोटल अमाउंट अरे एग्जैक्ट बिल होता है स्टैम्प क्या दे दीजिए उसको, लगाइए कॉल। शायद आपको ब्लॉक में डाल दिया, दूसरा सिम कार्ड है? नहीं नहीं इसी है, इधर लोकेशन दिखाता हूँ, लोकेशन दिखाओ। ये उसका ओ यूट्यूब चैनल का नाम है उसके, दिखा दो ऑडियंस को, वो भी दिखा दो जो बाकी लोग भी बचेंगे ना उससे, दिखा दो भी। कहाँ से नंबर लिया था यूट्यूब से? यूट्यूब से। हाँ यूट्यूब दिखाओ भाई, मैं आपको यूट्यूब चैनल का नाम दिखा रहा हूँ, जितना लोग हो सके भाई, 7,000 बहुत बड़ी अमाउंट है, आपके आपके फैमिली के भी किसी के साथ हो सकता है, तो भाई जितना हो सके वो चैनल को रिपोर्ट मारो और जाके उसमें जितना हो सके उतना रिपोर्ट मारना है चैनल को, जितना हो सके उतना, मैं आपको बता रहा हूँ चैनल का नाम दिखा दो, बस बस वीडियो नहीं दिखने का अपने, वो बस चैनल क्या है दिखा दो,
जॉब्स बाय परफेक्शन ऐसा करके चैनल है, 1.7 के इसके सब्सक्राइबर है। ये देखो ना, इसने फेस दिखाया है अपना, तो इससे पता चलता है कि कितना बड़ा स्कैमर है। ये चैनल को जितना हो सके उतना रिपोर्ट मारना भाई, मैं आपको काइंडली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ ये चैनल को आप रिपोर्ट मारिए जितना हो सके उतना। लगे उसको और उसको का ओ वो पेमेंट बताइए, पेमेंट क्या हो, स्क्रीनशॉट बताइए जरा। आपने पेमेंट किया था? स्क्रीनशॉट बताइए पेमेंट क्या हो। देखो मोहम्मद, ये देखो फोन आ गया, मैं बात करता हूँ, मैं बात करूँ आप कर रहे हैं। हेलो हेलो हेलो, हाँ नमस्ते पांडे, मैं रोहित बात कर रहा हूँ चेंबूर से, मराठी येते का? हाँ बोला ना, मी चेंबूर में बोलतो आहे, रोहित लोंडे। ये सुनील चे तुम्ही काय कशासाठी पैसे घेतले, त्याच्याविषयी काय जरा त्याचं सांगाल का मला? काम लावण्यासाठी। किती पैसे घेतले त्याच्याकडून तुम्ही? किती पैसे घेतले त्याच्याकडून तुम्ही? 2700 रुपये मेडिकलचे आणि 5000 रुपये सर्व्हिस चार्ज। 2700 रुपये कशाचे? मेडिकलचे। कसलं मेडिकल? आरटीपीसीआर टेस्ट। आरटीपीसीआर टेस्ट कशामुळे? आरटीपीआर टेस्ट आता कशामुळे? ते बाहेरून येतात ना कॅन्डिडेट म्हणून। कुठून बाहेरून येतात ते? कुठून आले आहेत? टेस्टचा रिपोर्ट पाठवा ना मला, टेस्टचा रिपोर्ट पाठवा। 5000 कशाचे घेतले? काम लावण्याचे। कशामध्ये काम लावलं तुम्ही? ते तुम्ही त्याला बिल वगैरे काय दिलं नाही ऑफिशियली? बिल वगैरे कमिशन घेतलंय माझं, तर बिल कशाला देऊ शकतो? कशाचं कमिशन घेतलं तुम्ही? काम लावण्याचं। लायसन्स आहे तुमच्याकडे मॅनपॉवर सप्लायचं? ते एक काम करा तुम्ही, कारण तो मुलगा माझ्याकडे आलेला आहे, मी एक युट्यूबर आहे, त्याने मला कॉल केला की असं असं माझ्यासोबत झालेलं आहे, तुम्ही बोल काय नाही त्याच्या शंका। हा सिम्पल सांगतो, बोला ना तुम्हाला, तो आलेला आणि त्याचे मित्र आलेला, तर मी एक बोललो की माझ्याकडे पैसे नाहीये, मी आता सध्या नाही भरू शकत, मी नंतर येईल आणि हा भरतोय, मी याच्याकडनं पैसे घ्यायचं आधी आणि पैसे घ्यायचं नंतर, पण मी बोललो पैसे तुम्ही भरायचं पहिले विचार करून घ्या, नंतर तुम्ही पैसे भरले आणि तुम्ही बोलणार की माझ्या गावाकडनं फोन येतोय, कारण बघा माझं काम आहे दिवसाला, म्हणजे मी डेली डेज काम करतो। बरोबर बरोबर। नंतर जाऊन काय प्रॉब्लेम येणार हे मला चांगली माहिती आहे। बरोबर बरोबर बरोबर। कॅन्डिडेट लोक नंतर जाऊन तिकडे काय प्रॉब्लेम होतो, आता फर्स्ट टाइम तर नाही मी याला पाठवतो, नंतर काय होणार मला माहिती नाही, मला अनुभव आहे। पान हा मला मुलगा आहे, तो काय बोलतोय की मला, बोला बोला बोला, तुमचं हो द्या पूर्ण। हा बोला, हो द्या। त्याला तुम्ही त्याला विचारा, तो हा शब्द स्वतःहून स्वतःच्या तोंडावरूनच बोलणार। बोलला होता का रे? बात किया था आपने? हाँ बोला। मी सांगतो ना, हाँ बोला बोला। स्पष्ट सांगितलेलं की जर अभी अगर तुमको काम नहीं करना रहेगा, तुम्हारी कुछ समस्या होने के बाद अगर हमारे यहाँ से काम नहीं लग रहा है, तो हम आपको खुद बुलाते हैं कि आओ आपका जो पैसा है लेकर जाओ, लेकिन अगर तुम्हारा कुछ पर्सनल प्रॉब्लम होता है, सबका पर्सनल प्रॉब्लम होता है, तो उसका भी हमारी कंपनी ने उपाय निकाला है कि आप जाकर आओ, जाके एक ज्वाइन कर सकते हो, पेमेंट में आपको 3 बारी जॉब प्रोवाइड किया जाता है। ये सर्व त्यांना मी सर्व सांगून, तुमचं जर काय पर्सनल प्रॉब्लम आला तर पेमेंट आम्ही रिटर्न नाही करत, तुमचं जॉब होल्ड राहील, तुम्ही येऊन जॉईन करू शकता। अच्छा, हाच प्रश्न आहे, बाकी काहीच नाही, त्याला विचारा त्याच्या। कारण कसं आहे माहितीये का, माझं पण मॅन पॉवर सप्लायचंच आहे, रोहित केअर सेंटर आहे चेंबूरमध्ये, आपली कंपनी चांगली आहे, पण कसं आहे 7000 हे भरपूर मोठा अमाऊंट आहे आणि आरटीपीसीआर ची मला वाटतं काही गरज नव्हते। बरोबर, कारण तो आउट ऑफ कंट्रीतून येत नव्हता। कन्स्ट्रक्शन साइड वर पाठवतो आणि मी त्याला 5 स्टार मध्ये, 5 स्टार जे मुंबई मध्ये सर, तुम्ही तुम्हाला जर असं मी वाटत असेल तर तुम्ही मला टेस्ट करून बघू शकताय, ताज हॉटेल आहे ना, ताज हॉटेल सोडून बाकी मुंबई मध्ये पूर्ण वेस्टर्न लाईन आणि सेंट्रल लाईन मध्ये, हा पण 5 स्टार हॉटेल सांगितलं ना, त्याच्यामध्ये आपली मॅन पॉवर आहे सध्या। बरोबर आहे, नक्की नक्की, पण त्याला तुम्ही प्रभादेवीची साईड दिली होती,
त्याला तुम्ही प्रभादेवीची साईड दिली होती बरोबर. प्रभादेवीला त्याला बोललो की दादर पाहिजे का ते सांग, तुला दादर बोलतो, दादरला पाठवलं त्याला तिकडे काही जमत नव्हतं, मला फोन करून बोलतो सर यहाँ पे नहीं जमरा, दुसरा कुठे काही का बसतो, म्हणलं ठीक आहे जा उतर चले जा, तिकडे गेला तिकडे त्याला जमतोय, नंतर बोलतोय की मेरा दिल नहीं लग रहा है मेरा खाना. दादा कसे बघा, आता मला वाटतं तुम्ही मराठी बरोबर, नक्कीच. तुमचं नाव काय पूर्ण? उत्कर्ष ना. उत्कर्ष जी कसं माहितीये का, तरुण मुलगा आहे, शिकलेला मुलगा आहे, कर्नाटक वरून आलेला आहे. आणि माझं कसं आहे, मी पण एक युट्यूबर आहे चांगला, आता तो आला माझ्याकडे मदत मागितली की बाबा काय झालं ते मी ऐकून घेतलं बरोबर. तर तुम्ही त्याला काय त्याचे काय अमाऊंट असेल ते तुम्ही प्लीज त्याला थोडी रिफंड करून टाका, ॲटलिस्ट अर्धी तरी अमाऊंट रिफंड करून टाका, कारण त्याला घरी जायला सुद्धा पैसे नाही. आणि कसं आहे माहितीये का, रिफंड होईल शब्दावर रिफंड होईल, नक्की नक्की लगेच नाही होणार त्याचा. आता तुमचा फोन आलाय म्हणून आता तुम्ही आपल्याला नक्की हा, तर त्याच्यासाठी मी एक करू शकतो, चालेल. तुमचे नक्की तुमच्याविषयी चांगलं वाटलं आम्हाला, तुम्ही मराठी माणसं आहेत आणि बाहेरच्या लोकांना पण मराठी माणसाचा अभिमान वाटेल, त्याच्यामुळे त्याला तुम्ही प्लीज त्याला करून टाकलं, त्याच्याबद्दल तुमचे आभार. नाही नाही काही अडचण, अच्छा चालेल. काही असेल त्याला सांगतो मी, आजच्या 45 आजच्या 45 दिवसांनी त्याचा 65% आहे ते त्याला होऊन जाणार. चालेल चालेल चालेल, काय अडचण नाही. त्याला काम वगैरे करायचं असेल आहेत भरपूर आपल्याकडे साहेब, दुसरी पण नाही. चालेल, माझी विचारा जर दुसरं वाटणार तुम्ही तुमच्या मनाने विचारा जर त्याला काम करायची, अच्छा अच्छा चांगल्या ठिकाणी आपल्याला पाठवू, ती साईड आवडली असेल तर दुसरीकडे पाठवतो. नक्की नक्की तिला नक्की चालेल चालेल चालेल, मी त्याच्याशी बोलतो त्याला काय त्याचं म्हणणं आहे ते ऐकून घेतो. ठीक आहे चालेल चालेल चालेल, ओके चालेल, धन्यवाद साहेब, धन्यवाद. चला चला, जय महाराष्ट्र. हो गया क्या बोला? वो बोला तेरा पेमेंट है जो 55% वो रिटर्न दे देगा. ठीक है, तो क्या बोला उसको, तेरे को काम जम रहा नहीं है कर रहा नहीं, क्या बोला उसको? वो बोल रहा है, वो हमारे पास पैसा क्या बोला था, ऐसा ऐसा 8 घंटे किया तो 15,000 देगा, 12 घंटे किया तो 17,000 बोला था. मैं उसको शेट को मत बता, वो क्या बोल रहा है मेरे को कि तू उसको दोस्त से पैसा लिया करने का है नहीं करने का, कि तू पैसा दिया बरोबर, RT-PCR करने की तो जरूरत ही नहीं है क्योंकि तू का कंट्री से बाहर से नहीं आ रहा बरोबर. अगर तू 5-star में जा रहा है तो चल तेरे RT-PCR भी सही, लेकिन तेरे उसने प्रभादेव की साइड दी बरोबर, RT-PCR करने की जरूरत नहीं. चलो उसने की, उसका रिपोर्ट भी वो भेज रहा है, ठीक है उसका रिपोर्ट मैं मंगा लूंगा, अगर उसका रिपोर्ट नहीं भेजा तो वो भी तेरे को रिफंड करने बोलूंगा उससे, और क्या बोलूं. ओके, इतना मेरा तो पैसा रिटर्न आ चुका था तो, लेकिन स्कैम तो नहीं हुआ ना तेरे साथ? अभी अभी भैया तेरा पास ऐसा, मैं क्या समझा था स्कैम हुआ, मैं क्या बोला यूट्यूब के सबके सामने, क्या बोला स्कैम हुआ, तो लोगों के सामने गलत इन्फॉर्मेशन भी नहीं जानी चाहिए ना. लेकिन 50% आप जब सोचोगे, अगर कोई ऐसा बिल दे रहा है, अगर RT-PCR 2,500, ये RT-PCR टेस्ट चलो ठीक है 5-star होटल में जा रहा है, लेकिन उसको साइड प्रभादेवी की दी है, तो RT-PCR टेस्ट करके मतलब क्या है, बराबर है ना? हाँ बराबर. और जो तेरा बाकी का 5,000 है ना वो रिटर्न कर रहे थे, ठीक है. अभी भैया अभी तेरा पास ऐसा बोल रहा था, मैं कल रात में फोन लगा था ना, मैं पैसा भी नहीं देगा, नहीं उसको मैं कायदे से लिया ना, कायदे से उससे बात किया ना, क्योंकि वो दादा किसको दादागिरी किया, कायदे से बात किया ना उससे मैंने. भैया अभी तू मराठी है ना, ऐसे ले तुमको ऐसा अभी देगा बोल रहा है, मराठी हो हिंदी हो, हिंदी भी हो को पकड़ के ला, मैं बात करा ही देता हूँ. ऐसा नहीं भैया, अभी इतना नहीं नॉलेज देखो क्या कैसे बात करते हैं. ऐसा वो बोला भैया, मैं उसे बोला है, वो क्या बोला, मैं भैया हमारा गांव में दिक्कत, इधर दिक्कत आ रहा है, हम गांव को जाएगा, ऐसा बोला पहला उसका. अरे नहीं नहीं पैसा नहीं देगा, ऐसा ऐसा बोला वो. हाँ ठीक है भैया, ऐसा खुश है ना? हाँ खुश है, बराबर है. अच्छा हुआ तो पुलिस कंप्लेंट हुआ? नहीं नहीं भैया नहीं, नहीं हुआ ना तेरा काम? काम हुआ. अभी भैया तेरा पास ऐसा बोला है वो, हाँ तू पेमेंट नहीं करेगा, आज तक पेमेंट 1 रुपया आने की जिम्मेदारी मेरे, बोलो इनके सामने कुछ. हाँ ठीक है, वो खुद बोला है कि तेरे अगर तेरे को चाहिए तो तेरे मोबाइल पे कर देता है. हाँ ठीक है, अगर नहीं आया तो मेरे को बोल दे, ठीक है. हाँ ठीक है, लास्ट तक 1 रुपया आने तक जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, तेरा पेमेंट आ जाएगा, बोल कुछ बोलना है तो अभी. हाँ कुछ ना, अच्छा रहता है, रोहित भाई को आए को फॉलो करो. रिस्क बड़ा बनने का बोला,
चल आई यू जाए लगता है रे अभी मैं काम को चलेगा भाई, अभी इतना मेहनत किया ना और एक दिन मिलेगा। अभी मेरा भैया पुलिस है, PSI है, अच्छा अच्छा डिस्ट्रिक्ट पुलिस है। तेरे को तेरा भैया PSI हो गया, मेरे को फोन लगा के तेरे मैं बात करता हूँ, बात करा इसको पटके दे। अब मेहनत किया ना, अच्छा आगे बढ़ेगा, मेहनत करो भाई। चल मैं फोन किया तो कैसा, फिर उसने पैसा दिया मैं फोन किया तो कैसा पैसा दिया फिर? तेरा पैसा बोला, मेरा पास ऐसा बोल रहा था वो। अच्छा होता है समझता हूँ मैं, कोई दिक्कत था ना, अभी तो बोला मैं इधर से हूँ, ऐसा लोकल लड़का है। ऐसा लोकल भी नहीं है, ऐसा लोकल की बात नहीं होती, उसे कायदे से बात करनी पड़ती है क्या कैसा है कैसा है। उसे मैंने पूछा कि किसका RT-PCR किया, तो आउट ऑफ कंट्री से आया है, RT-PCR करने के लिए जरूरत क्या, कंस्ट्रक्शन साइट पे RT-PCR की जरूरत क्या, और उसका रूल रेगुलेशन में लिखा है कि भाई RT-PCR करना है तो जरूरी है, अगर नहीं है तो रिफंडेबल करना है, बात खत्म ना। वो कर रहा है बोला रिफंड में, तो बात खत्म, बोल दे और एक बार लाइसेंस करने के लिए। मेरे इतना टाइम गया देख कितना, 15 या लाइक करो भाई, सब्सक्राइब करो, ये बहुत बड़ा अच्छा बंदा है। अभी मुंबई में आया तो भैया को फोन कराओ, उसका यूट्यूब है, फोन आते भाई मत। हां ठीक है, अच्छा अच्छा बंदा है, किसी को अगर दिक्कत है तो भाई बीजे से प्रॉब्लम हो गया तो भैया को फोन लगाया, भैया हेल्प करेगा। कोई दिक्कत हो किसी के साथ, क्या हुआ है भाई पक्का कर दीजिए भाई, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, बहुत लोग करते नहीं पर 100% में से 95% ने अभी तक अनसब्सक्राइब है मेरे चैनल पे। ऐसा अभी चैनल ही चलेगा, अभी फॉलो होता है बहुत। हां कल गांव जा रहा है ना तेरा, ऑनलाइन उसको दे, मैं तेरे को भेज देता हूँ उसको बोल के, ठीक है? और कुछ बोलना है क्या? शादी से बात करना है बच्चा, अभी तू मेरे से बड़ा है, कितना है तेरा एज? 20। तेरा मेरे को इधर आ, इधर बोल क्या बोल रहा था अभी, झूठ मत बोल, इधर आ बोल क्या बोल रहा था, क्या नहीं बोल, पैसा दे रहा था ना भाई, पैसे के लिए नहीं करता हूँ, पैसे के लिए करना होता ना आता भी नहीं, ठीक है, कुछ जरूरत नहीं पैसे की, चल ठीक है, ध्यान रख, स्कैनर मांग रहा है मेरे को, मांग रहा था कि नहीं बोल रहे, इनको झूठा लगेगा। हाँ मांग रहा था।